भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सोच को चुनौती दे दी है। चंद्रयान 3 ने यह बता दिया है कि चंद्रमा पर कभी लावा का महासमंदर हुआ करता था, वहां पर चट्टाने पिघल करके बहा करती थी और पूरा चंद्रमा उस मैग्मा के सागर में डूबा हुआ था। यह खुलासा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि इससे पहले जो भी मिशन चलाया गया उससे कभी ये पता नहीं चल पाया था कि चंद्रमा पर कभी लावा का समंदर भी हुआ करता था। लेकिन अब जो प्रज्ञान रोवर से डाटा मिले हैं, जो जानकारी मिली है, वो इसी ओर संकेत कर रहे हैं। क्योंकि जब उस डाटा का एनालिसिस किया गया तो ये बात खुलकर सामने आई कि जी हां, लाखों साल पहले चंद्रमा पर ऐसा ही कुछ वातावरण था। तो किस तरीके से वो वातावरण बना और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को क्या क्या चीजें मिली हैं, वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जब भारत का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, वहां पर उसकी लैंडिंग हुई और उससे प्रज्ञान रोवर बाहर आया, तो उस वक्त वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा था कि उन्हें जो इस रोवर के माध्यम से मिलने वाला है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला आंकड़ा होगा। क्योंकि प्रज्ञान रोवर जब अपने चंद्रयान 3 से करीब 100 मीटर की दूरी तक घूमा, वहां के सैंपल्स लिए, वहां के मिट्टी की जांच की, तो जाकर के उसे ये पता चला, उसके डाटा से यहाँ के वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को पता चला कि वाकई कभी हमारे चंद्रमा पर ऐसा कुछ माहौल था, ऐसा कुछ वातावरण बना हुआ था कि वहां पर लावा का समंदर बह रहा था। अब ये किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचे उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 से मिले केमिकल डाटा का एनालिसिस किया और इसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि चंद्रमा बनने के बाद काफी साल तक चांद गर्म लावा से कवर था, और यह स्टडी हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। पूरे चंद्रमा पर गर्म लावा यानी मैग्मा का सागर था। ये चंद्रमा के बनने के कुछ करोड़ साल बाद की बात है। खुशी की बात यह है कि यह स्टडी उस समय आई है जब पूरा देश चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की वर्षगांठ मनाने जा रहा है, और ये जानकारी जो चंद्रयान 3 से मिली है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और चंद्रयान 3 से मिले इस डाटा की पुष्टि अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL के जियोलॉजिस्ट संतोष वी बड़ावले ने भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ने यह प्रमाणित कर दिया है कि चांद पर लूनर मैग्मा ओशन था, यानी चांद पर गर्म लावे का समंदर था। वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 3 में लगे हमारे यंत्र ने दक्षिणी ध्रुव और अन्य मून मिशन से मिले डाटा का एनालिसिस किया, तब जाकर ये बात सामने आई है। चंद्रमा के बनने को लेकर एक थ्योरी थी कि 20 करोड़ साल पहले जब इसका निर्माण हुआ तब इसके चारों तरफ गर्म पिघले हुए पत्थरों का समंदर था, यानी लावा मौजूद था, और जैसे जैसे चंद्रमा ठंडा होता गया ये लावा पत्थरों में बदलते चले गए। इसीलिए चंद्रमा पर ज्यादा जगहों पर एक जैसे पत्थर पाए जाते हैं या एक जैसे ही धातु और खनिज पाए जाते हैं। इलाके बदलने से भी ज्यादा अंतर नहीं आता। चंद्रमा के इस रहस्य का खुलासा चंद्रयान 3 में लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने किया है। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि नासा के अपोलो और सोवियत संघ के लूना जैसे
पिछले मिशन मुख्य रूप से चंद्रमा की भूमध्य रेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों से लिए गए मिट्टी के नमूनों पर निर्भर रहे हैं। लेकिन इस बार चंद्रयान तीन से जुड़े वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से प्राप्त प्रज्ञान के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया कि चंद्रमा की मिट्टी एक ही प्रकार की चट्टान फेरॉन एनोथ्रोसाइट से बनी है, यानी FAN नाम के चट्टान से बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह लगभग यही चट्टान पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने आगे बताया कि उनके परिणाम भूमध्य रेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों से लिए गए नमूनों के विश्लेषण से मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भौगोलिक रूप से दूर के स्थानों से लिए गए नमूनों की समान संरचना चंद्र मैग्मा महासागर परिकल्पना का समर्थन करती है, जो चंद्रमा के प्रारंभिक विकास के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत परिदृश्य है। ये परिकल्पना इस बात की संभावित व्याख्या प्रदान करती है कि चंद्रमा की सतह का ऊपरी मध्य और भीतरी हिस्सा का निर्माण कैसे हुआ। और ये जो परिकल्पना है उसके मुताबिक चंद्रमा का निर्माण दो प्रोटोप्लैनेट के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ, जब बड़ा ग्रह पृथ्वी बन गया और छोटा ग्रह चंद्रमा बन गया। सिद्धांत के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप ही चंद्रमा बहुत गर्म हो गया, जिससे उसका पूरा आवरण पिघलकर मैग्मा महासागर में बदल गया। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तब वो ठंडा हुआ और कम घनत्व वाले FAN जो पत्थर हैं वो सतह पर तैरने लगे, जबकि भारी खनिज नीचे डूब गए और मेंटल बन गया जो कि क्रस्ट के नीचे स्थित है। विश्लेषण से ये भी पता चला कि प्रज्ञान ने चंद्रमा की मिट्टी में मैग्नीशियम का पता लगाया है। आपको बता दें कि पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। इसके बाद चंद्रयान के लैंडर और रोवर ने 9 दिन काम किया। प्रज्ञान रोवर ने शिव शक्ति पॉइंट के आसपास करीब 103 मीटर की दूरी तय की। इस दौरान वो 23 जगहों पर रुका, खनिजों, मिट्टी और पत्थरों की जांच की। PRL के डायरेक्टर ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपनी यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा उसने 175 मिनट तक सतह की जांच की, सबसे कम 20 मिनट तक। इससे पता चला कि चांद पर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसमें और भी खनिज मिले लेकिन वो चंद्रमा के अंदर से ऊपर की ओर आए हैं। चंद्रयान 3 ने ही शुरुआती दौर में ये बता दिया था कि चांद की मिट्टी में पानी मौजूद है, और उसी की पुष्टि बाद के दिनों में चाइना के चांगे मिशन के दौरान भी हुआ। इसी तरीके से इस बार जो खबर दी है प्रज्ञान रोवर ने, इस बार जो पता लगाया है चंद्रयान 3 ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले जो भी सैंपल यहाँ धरती पर भी लाए गए उससे भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि वहां पर कभी लावा का समंदर था। लेकिन प्रज्ञान रोवर और ये चंद्रयान 3, इन दोनों ने मिलकर के ये बता दिया कि वाकई वो जो खोज कर रहे हैं, भले उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा उन्नत नहीं थे, लेकिन उनकी खोज बहुत उन्नत है। और उसी खोज के आधार पर अब दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अगले मून मिशन में नई खोज करने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।